तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए हमको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालना है, टाइम निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट को यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज तो क्या होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल के ऊपर क्या करें प्रोजेक्ट करें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसको हमने क्या करा u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल के ऊपर हमने क्या करा इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना इसको हम लोग क्या बोलने वाले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और इसका जो मोशन होगा इसको हम क्या बोलने वाले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो कुछ एक हाइट तक जाने वाला है, h हाइट तक जाएगा और वो उस हाइट के बाद वापस क्या करने लग जाएगा नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होगी इसकी r यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, क्या ये सेमी सर्कुलर पाथ है, क्या ये पैराबोलिक पाथ है, जैसा कि हमारा हॉरिजॉन्टल में निकला था वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सेम एल्गोरिथम होने वाला है। वहां पर हमने क्या करा था, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन निकाला था, देन हमने वर्टिकल मोशन की इक्वेशन निकाली थी, उसके अंदर हमने क्या करा था टाइम की वैल्यू को पुट किया था, वही काम हम यहाँ पर करने वाले। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वहां पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, बट यहाँ जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या कर रही है यहाँ पर एक थीटा एंगल बना रही है। तो सबसे पहला तो काम क्या करते हैं हम इस u को रिजोल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। देखिए यहां पर u है, यहां पर क्या आपका थीटा, तो वेक्टर में हमने पढ़ा है कि जिधर एंगल थीटा बन रहा है वहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में वो कितनी है u cos थीटा और y डायरेक्शन में कितनी है u sin थीटा। तो नाउ सबसे पहले हम लोग इसके x डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं। लेट्स से कि किसी एक पॉइंट p के ऊपर ये है, ठीक है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x डायरेक्शन में x y डायरेक्शन में y। सो नाउ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो ux = कितना है हमारे पास u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना होगा 0 बिकॉज़ प्रोजेक्टाइल की कंडीशन क्या होती है कि इसको हम किसी भी फ्यूल से प्रोपेल नहीं कर रहे, और अगर हमने फ्यूल नहीं दिया तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हुआ 0, Sx को हमने कितना बोलते हैं x, मतलब x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना है यहां पर x। फॉर्मूला क्या है, Sx is equal to uxt plus half axt square. Sx की जगह हमने पुट करा u, ux की जगह पुट करा u cos theta into t plus half 1 by 2 into 0. Now ये जो 0 वाली टर्म है पूरी 0 हो गई, तो टाइम कितना निकलेगा देखो u cos theta को अपॉन में लिया तो t is equal to कितना आ गया आपका x अपॉन में u cos theta, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया टाइम, कौन सा टाइम है ये, इस p पॉइंट पर जब वो रीच कर रहा है उस टाइम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके वर्टिकल मोशन के ऊपर आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसका जो वर्टिकल मोशन होगा उसमें अगर हम u y की बात करें तो y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी u sin थीटा, ये लिखा a y कितना होगा, a y मतलब क्या y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो y डायरेक्शन में किसकी वजह से मूव करेगा, किसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, ये मूव करेगा ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, देखिए ये कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, और जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी कम, स्पीड अगर कम होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा कम, यहां पर जो होता है इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है माइनस जी लगता है यहां पर, ठीक है। जी की जो डायरेक्शन होती है ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगती है नेगेटिव, ठीक है। ए वाई एस वाई इज इक्वल टू हमने कितना देखा वाई टी, यहां पर एस वाई इज इक्वल टू कितना होगा यू वाई टी प्लस 1 बाई 2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करो, एस वाई की जगह मैंने पुट करा देखो वाई यू वाई, यू वाई की वैल्यू कितनी थी यहां पर यू साइन थीटा, ये पुट करा यू साइन थीटा, ठीक है, इनटू में कितना है टाइम, टाइम की वैल्यू देखिए कितना आ गया एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, ये पुट करा, ठीक है भाई। फिर 1 बाय 2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, तो ये हो गया आपका माइनस का 1 बाय 2 जी टी का स्क्वायर, टी कितना था देखो भाई यू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का यहाँ पर क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। नाउ इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, तो यहां पर देखिए हमारा क्या आएगा वाई इज इक्वल टू y is equal to देखिए ये u हुआ आपका sin upon cos, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10, और u से u तो कैंसिल हो जाएगा भाई, u से u तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 10 थीटा into x, तो ये लिखा हमने x 10 थीटा, फिर देखिए माइनस साइन लगाकर हमने लिखा 1 by 2 g, यहाँ पर देखिए कितना आपका x, तो ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो tan थीटा आपका ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, tan थीटा हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या y is equal to ax, फिर माइनस देखिए 1 by 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, u कांस्टेंट और cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट, थीटा हमारा एंगल क्या होगा, एक बार हमने किसी प्रोजेक्टाइल को एक एंगल पर फेंक दिया है तो थीटा कभी भी उसका चेंज नहीं होता, तो थीटा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, की पूरी फैक्टर क्या होगा कांस्टेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ bx स्क्वायर। अभी ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया था पिछले एक्सप्रेशन के अंदर कि जब भी x और y के अंदर इस तरह का रिलेशन हो स्क्वायर रिलेशन हो,
ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो या x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो, तो ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है, आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो अगेन यहां पर इसका जो पाथ है वो कौन सा है, आपका पैराबोला। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो दोनों ही केस में, चाहे वो आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हो या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हो, दोनों ही केस में इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ को क्या करना है, फॉलो करना है। नाउ सेकंड चीज आती है हमारी, इसका टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पिछले वाले वीडियो में हमने क्या करा था, वाई वाला जो है, वाई वाला जो मोशन है, मतलब वर्टिकल जो मोशन है, उसकी मदद से हमने क्या करा था, टाइम पीरियड निकाला था। यहां भी हम सेम काम करने वाले हैं, टाइम पीरियड का हम लोग क्या करने वाले, एक्सप्रेशन निकालने वाले। तो इसके टाइम पीरियड की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जा रहा होगा तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो जिस भी टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। बिकॉज मैक्सिमम हाइट इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, यू साइन थीटा थी। अब जब ये ऊपर जा रहा है ना तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। और वही पॉइंट क्या होता है हमारा मैक्सिमम हाइट। तो अगर ये मैक्सिमम हाइट के इस पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वाई है, वी वाई है, वो कितना होगा, जीरो। यू वाई मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन वो कितनी है आपकी, यू साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितना हो गया आपका, माइनस का जी। नाउ हमको पता है कि v is equal to कितना होता है, u plus at। यहाँ पर हमने क्या लिखा, v y is equal to u y plus a y into t। v y कितना है, जीरो। a u y कितना रखा हमने, u sin theta minus g into t, ठीक है। a की वैल्यू क्या रखी, minus g। now g t को इस तरफ लिख रहा है तो यहाँ से हमने क्या करा है, g को अपॉन मिलाया, तो t हमारा कितना आ गया आपका, u sin theta अपॉन में g। लेकिन ये टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का है, ये टाइम तो हमारा वो टाइम है जब ये कहां पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर अगर ये रीच कर जाता है इसका मतलब क्या, इसने अपनी आधी जर्नी को कंप्लीट करा है। अब ये जो बची हुई आधी जर्नी इसको और कंप्लीट करना है, तो मतलब कि यहां से यहां तक जाने में अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो यहां से वापस यहां तक आने में अगर इसको कितना टाइम लगेगा, टी। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, जो टोटल टाइम लगेगा इसका, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा, इंक्रीज होने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, प्लस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा आपका, टी प्लस टी। तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पर देखिए टू टी। तो यहां पर अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ टी, मतलब कि टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो यहां से आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम आपका कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका इनिशियल वेलोसिटी यू के ऊपर, किस एंगल पर थ्रो करा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जी के ऊपर क्या करने वाला है, यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल रहे हैं ना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, ये वाला तभी वैलिड है जब हमारे ये जो दोनों पॉइंट है, मतलब कि जहां से हमने इसको थ्रो किया था और जहां पर जाकर ये गिरा, ये दोनों क्या हो, आपके सेम लेवल के ऊपर है। अगर ये सेम लेवल के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो जब भी हम ये डेरिवेशन करते हैं तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। साथ में हम ये भी अज्यूम करते हैं कि इसका जो जी है वो हर जगह क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट होने वाला है, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर क्या, हॉरिजॉन्टल रेट की यहां से यहां तक जब ये आया है, जब हमने इसको यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो जब ये यहां पर आएगा तो इसकी जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये क्या होगी, इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमको इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में देखिए, हॉरिजॉन्टल इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आर। टाइम कितना लगा होगा इसको ट्रेवल करने में, टी, ठीक है ना। जब यहां से हम इसको थ्रो कर रहे हैं यहां तक आने में, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करने में इसको टाइम कितना लगा, टी। एक डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, और वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब हम लोग अप्लाई करते हैं, देखिए एस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी इसका स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू कितनी है, आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स कितना होगा आपका, यू कॉस थीटा, और टाइम की जगह जो होगा आपका वो क्या आएगा, कैपिटल टी प्लस 1/2 ए एक्स कितना है आपका, जीरो। तो यहां पर पुट किया, जीरो इंटू क्या हो गया आपका, टी स्क्वायर। तो जो पीछे वाली टर्म है ना, पीछे वाली टर्म क्या हो गई आपकी, जीरो, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आर इज इक्वल टू कितना बचा आपका, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये टी क्या है, टी आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक आने का समय, और यहां से यहां तक आने का जो समय है उसको अभी हमने कैलकुलेट करा, कितना आया था आपका, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। पुट कर देते हैं भाई, टी हो गया आपका टू यू साइन थीटा अपॉन में कितना, जी, ठीक है। अब देखिए यू इंटू यू कितना हो गया आपका, यू का स्क्वायर, ये लिखा हमने यू स्क्वायर। फिर क्या बचा, देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फटाफट से बता दो कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है आपका, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है। जी तो आपको क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो जी को तो हम उतना कंसीडर करेंगे नहीं, बट ये यू के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हमने डबल किया तो टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो निकालने के लिए आता है वो है हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना ये अटेंड करने वाला है। चलिए हॉरिजॉन्टल हाइट हम निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइट पे जब ये पहुंचेगा तब उसका जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। यू वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना था माइनस जी और एस वाई, मतलब जब भी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होने वाला है एच। ना हमको क्या निकालना है, इस एच की वैल्यू निकालना है, मतलब कि हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरी होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। कौन सी हम लोग लगाए ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या दे रखा है, हम दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं पहली वाली इक्वेशन लगाता हूँ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर, तो वहां पर मुझे टी की वैल्यू पता होना चाहिए इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तब टी क्या है, हालांकि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया बट उस जमाने में हमको नहीं पढ़ना। हम क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन का यूज करते हैं जहां पर हमको वी यू और ए चाहिए, सभी चीज हमारे पास है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू ए वाई इंटू एस, यही होता है ना, ठीक है। v square minus u square is equal to 2as, सिंपल है। Now v y की वैल्यू देखिए कितना हो गया जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस u y का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका u square sin square theta is equal to 2 times of a y, a y कितना है यहाँ पर देखिए माइनस का g, तो ये पुट करा माइनस का g, और s y कितना है हमारा h, तो ये पुट करा h, ठीक है। चलो बढ़िया, अब देखिए ये कितना बचा आपका माइनस का u square sin square theta, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2g h, ये 2 से 2 को उड़ा दो, हमको क्या निकालना है h, तो ये 2g को अपॉन में ले लो, h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। h इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। नाउ हमको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है कि किस एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, किस एंगल के ऊपर हाइट आपका मैक्सिमम जाएगा, और ऐसे कुछ और हमको यहाँ पर छोटी 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 चीजों को हमको यहाँ पर डील करना है, देखना है, तो उसको हम लोग फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अभी तक हम लोग को देखा है यहाँ पर चार इक्वेशन का हमने डेरिवेशन करा है, ट्रैजेक्टरी, टाइप ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट, ठीक है। नाउ हमको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है, वो समझना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। पहली चीज तो हमको क्या देखना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर आप बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, जब भी हमारा ये जो साइन टू थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, इस कंपोनेंट की वैल्यू जब भी मैक्सिमम होगी तो गिवन यू और जी के लिए हमारा जो रेंज है वो क्या होगा मैक्सिमम। अब आपको पता है कि साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है बता दो फटाफट से, कितने एंगल के ऊपर होती है 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साइन पाई बाय 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है आपका 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका 45। इसका मतलब क्या है कि जब भी एंगल 45 डिग्री होगा, जब भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, उस टाइम पर हमारा जो रेंज है वो क्या होने वाला है मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए प्लस माइनस 1, साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो थीटा है ना वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, जब थीटा 90 होगा तभी तो ये 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। जब जब भी आपका थीटा 90 होगा तो ये क्या होगा आपका 1, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल बचेगा ही नहीं, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी एक एंगल के साथ फेंके, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाकर अगर हम उसको थ्रो करें, बट एंगल जो होना चाहिए वो अदर देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज अगर एंगल 90 डिग्री, मान लीजिए मैंने क्या करा 90 डिग्री पर किसी को फेंका, तो अगर मैं इसको ऐसा फेंकता हूं तो ये ऐसा ऊपर जाएगा और वापिस ऐसा ही नीचे आ जाएगा, मतलब कि ये क्या करेगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ तो टू डायमेंशनल मोशन हो ही नहीं ना, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं हम, तो ये कौन सा मोशन होगा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो मोशन कहां पर होगा आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम हाइट जो है वो डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर, थीटा जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा आपका हाइट होगा, बट 90 से कम के लिए वैलिड है, ठीक है। थीटा क्या होना चाहिए आपका लेस देन 90 डिग्री, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, साइन थीटा मैक्सिमम को होगा जब थीटा कितना हो 90, बट 90 के लिए तो वैलिड है नहीं, ठीक है। तो 90 की तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो ये तो बात हुई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम होने की, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कहाँ पर होगा आपका 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमको देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ना, ठीक है,
दो एंगल 0 से 90 के बीच में दो एंगल के लिए आपका जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, इसकी वैल्यू क्या आने वाली से, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे हॉरिजॉन्टल रेंज आता है सेम, कैसे आता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू कितना होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब एक बात बताओ मुझे कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन है 180 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं साइन 2 थीटा को ऐसा लिखू, मैं इसको कैसा लिख रहा हूँ इक्वेशन को, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा पहुंच जी, एक ही बात है, साइन 2 थीटा लिखो या साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखो दोनों में क्या होगा एक ही बात होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं, देखिए कितना हो गया यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं साइन लिखा 2 को मैंने कॉमन लिया तो कितना हो गया आपका 290 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया देखिए जी ये आ गया। तो ये देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो कि जब जब भी ये जो थीटा है ठीक है, ये अगर 90 माइनस थीटा भी होगा ना तो भी आर की वैल्यू क्या आएगी सेम, बिकॉज साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा, और अगर 2 को कॉमन है वहां से तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, मतलब कि आर की वैल्यू जो वैल्यू आर की थीटा के लिए होगी वही आपकी किसके लिए होगी 90 माइनस थीटा के लिए होगी। एक एग्जांपल से समझिएगा इसको, ठीक है। लेट्स से कि मेरा एंगल कितना है यहां पर, थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ फटाफट, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर रहा हूं, लेट्स से मैंने 30 डिग्री पर थ्रो करा तो ऐसे गया, ठीक है, मैंने इसको 60 डिग्री के ऊपर थ्रो करा तो ये ऐसे आकर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या करेगा कवर करेगा। 60 डिग्री के ऊपर एंगल ज्यादा हाइट ज्यादा होगी, बिकॉज देखिए हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, साइन थीटा के। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है ठीक है, 30 से कितना हो गया 60, अगर एंगल हम लोगों ने लिया तो 60 वाले केस में ये फैक्टर बड़ा होगा तो हाइट क्या होगी ज्यादा होगी, बट हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी दोनों केस के अंदर सेम होने वाली, ठीक है। और वैसे ही आप देखिए कि थीटा अगर मान लीजिए मेरे पास 20 है ठीक है, तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70, तो 20 और 70 दोनों के लिए क्या होगा रेंज सेम होगी, ठीक है। सेम अगर आप ले लीजिए थीटा इक्वल टू 45, 45 तो लेना नहीं, 45 45 सेम हो जाएगा। लेट्स से इसको मैं लेता हूं 40, तो 90 माइनस 40 कितना होगा 50। तो जब जब भी हम लोग बात करेंगे तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होने वाला है सेम होने वाला है, कैसे आएगी अपन ने यहां से इसको देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने देखिए थोड़ा सा फास्ट वे में इस चीज को पढ़ा है, बिकॉज पूरा मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर ज्यादा कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने क्या करा है सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को और इसके वर्टिकल मोशन को अलग अलग डील करा है, और वहीं से हमने क्या करा है चारों इक्वेशन को हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उन इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज को पुटअप किया और हमारा जो आंसर है उसको हम लोग क्या कर लाए हैं यहाँ पर निकाल कर लेकर आए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।